उसका साथ भागने के लिए सब वो मानुष भी तैयार है आजकल। हाँ, से बच्चा है उसकी बात भी देखो, दूसरा मानुष के लेके फैला गया। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो हाँ। तो ऐसे सबको पता है ना, जमाना बहुत खराब है, इसलिए रास्ता में जाओ तो उसे पहले आगे फू मारो, उसके बाद साफ करो, बाद में पा फलाओ। मसला को नहीं, बहुत होशियार करके चलना है इस जमाने में। और तुम जिस लड़के से बात करो ना, उससे तुम बिल्कुल बात करना छोड़ दो। अबे साले, तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर बताओ, वो तो बिल्कुल पल्लर गुआ की तरह है काला। अरे कहना क्या चाहते हो? अगर उससे तुम्हारा लफड़ा होगा तो फिर तुम्हारा घर से इतना पिटाएगा, सांप पिटा पिटाएगा तुम्हें पूरा, ठीक है? तुम बात करना, बिल्कुल सहरे दो, बिल्कुल सहरे दो बात। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बात करना, अगर अगर हमारा होशर को पता चल गया ना, हाँ पूरा बाशेर सो पे हाथ बांधा पिटाएगा, देख लेना। Oh my God! Wow! वो बहुत कमीना इंसान है, हमने देख लिया, हमारा ससुर है आर्यन का नाना, उसका राग अच्छा नहीं है। अगर राग उठ गया तो वो तुम्हारा मोरिस खेत नहीं है था, उसमें तो हारिस दादा पैसा नहीं देता था खर्चा के लिए, तो वो पूरा आल जुड़ा दिया था मोरिस खेत में, पूरा मोरिस था घास में। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए है, दोबारा ट्राई करेंगे, और क्या बेच और कोई काम हम। तो मैंने उसी दिन देख लिया कितना राग है तुम्हारा पापा का, हाँ पूरा दो लाइन तो सास भी दे दिया था उस टाइम, जाके बाहर का आदमी आके ठकाया, तो ही वाली ने आके ठकाया, उसके बाद उनने रुका, नहीं तो पूरा आल बुआ देता पूरा मोरिस खेत में। हाँ ये कर लो पहले। बाद में तुम्हारा दोनों भाई आजुल और हारिस खर्चा पानी के लिए पैसा दे दिया, उस टाइम राग थमा, बस हवा निकल गई।